सहरा फैला है, वेस्टर्न सहारा जो मगरबी सहरा जो था, जब उस पर रेत पूरी है तो इंसान को कोई मान जाती है जिसका मदन की मोहब्बत की बात करते हैं। तारीख इस बात पे है, कोई अपनी मां के साथ नहीं रहा। मुझे किसी ने सवाल किया, मैं इस पर तकरीर कर रहा था वसीयत के ऊपर इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा जी लोग तो जलसले में भी देखे कश्मीर में अपने साथ रहे घर में। मैंने कहा उनको F9 का इस्लामाबाद का पार्क प्लॉट कर दो, मैं देखूंगा रहता हूँ। तस्वर नहीं है काम के अंदर। ये बाल का कहीं दादा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, ये पैर है इसका है मतलब का कफन, ये बुद्ध की तरह सीधा है, तहजीब नबी है, भारत तरह का शान है, दीन नबी है। इसी तरह ये जो नस्ल की मोहब्बत है इसका भी कोई तस्वर नहीं है। एक नस्ल के लोग थे, कपेशियन 100 साल की जंग है फ्रांस की और बरतानिया, 122 साल की जंग है वॉर ऑफ रोजेस, एक जैसा नाम, एक जैसी शक्ल, एक जैसा दिमाग, एक जैसी आंखें, एक जैसे बाल, वो मार दिया पकड़। रंग का नाम तो अलग है, ये उसकी बुनियाद पर बनती है। ये अभी लास्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत तो भारत में है, हुटू और टुट्सी कबाइल के अंदर है। उन जॉस ने उनके अंदर 10 लाख बंदूक की खोपड़ियों को मीनार बना दिया, ये अभी 10 साल पहले की बात। तो ये तस्वर है नहीं इस्लाम के अंदर। पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों की जाए, ये बड़ी मजे की बात बता बात है। जब इस्लाम के अंदर वतनियत का पक्ष नहीं, तो फिर मैं जहां पर क्यों हर मुल्क के बाद तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मसला ये है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले इस दुनिया को उन्होंने छोटे छोटे पिंजरों में तकसीम किया था नेशन स्टेट के साथ, और कहा था कि भाई हम अब एक साथ नहीं रह सकते, ये दुनिया एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा गांव नहीं हम बनाते, हम इस गांव के अंदर छोटे छोटे पिंजरे अपना अपना तकसीम कर। हर मुल्क दुनिया का हर मुसलमान मुल्क जो बना है वो नस्ल और रंग की जुबान पर और इलाके की बुनियाद पर। मिस्रियों ने कहा मैं फिरौन के बस मानने वाले हैं औलाद में से, ना मानने वाले हमारे औलाद में से, वो जिसने कहा था नासर ने जब जंग हो रही थी तो अल्लाह ने क्या शिकस्त दी कि आज फिरौन के बेटों का मूसा के बेटों से मुकाबला है। अल्लाह कुछ भी हो अल्लाह को पसंद तो फिर मूसा है फिरौन के मुकाबले, और इस तरह की जिल्लत आ गई थी कि चित मारा मिस्र लबनान से सब लोग। इस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए किए जा सकती है कि वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की बुनियादी नेशनलिज्म को की बुनियाद पर सिर्फ एक मुल्क बना है, दो अगर कोई और मुल्क नहीं बना। इसने कहा कि नहीं हमारी नेशनैलिटी इस्लाम है, ये तो पाकिस्तान को कोई नेशनैलिटी नहीं है, ये तो बाद में क्रिएट किया नेशनैलिटी ऐसे नहीं बनती। आपको पता है कि इसराइल की नेशनैलिटी क्या है, और इसराइल नेशनैलिटी जू, हमारे बुनियादी तौर पर नेशनैलिटी मुस्लिम होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तो नहीं आपके दे दिया बुनियादी तौर पर ये मुल्क बना था मुसलमानों के लिए, तो मुस्लिम नेशनैलिटी होनी चाहिए। तो ये वाहिद मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत तो बुनियादी तौर पर ईमान का हिस्सा समझता, इसलिए ईमान का समझता हूं कि 100 साल के अंदर कोई ऐसा खतरा जमीन नहीं है, अमल हमारे जैसे भी हो नाफिस किया ना हो कुछ ना किया हो, लेकिन हमने मस्जिद की चार दीवारें जरूर कायम की, किसी और ने नहीं की। सच्ची बात है किसी और ने नहीं, उन्होंने बाद में अगर के खिलाफ पानी का इंकलाब भी बहुत बड़ा है, सऊदी अरब में बहुत से इंतफात नाफज है, सब कुछ है, लेकिन इनहेरेंटली वो ऐसी है कि घर के अंदर नमाज पढ़ दी जाए, नीयत से मस्जिद कायम नहीं की गई, वो वाहिद मुल्क है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा मौजदा है, अल्लाह तबारक व तआला